हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो एग्रीकल्चर के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो हमने सोइल कोलाइड का चैप्टर शुरू किया था उस पर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि काफ़ी टाइम से उस चैप्टर पे वीडियो बना नहीं पाया, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, सॉरी उसके लिए। आज हम फर्दर बात करते हैं उसकी। अब तक हमने बात की थी कोलोइड और सोइल कोलोइड की, उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल कोलोइड। तो सोइल कोलोइड की अगर हम बात करें तो सोइल कोलोइड को जनरली डिवाइड किया जाता है इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइड, इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइड एंड ऑर्गेनिक सोइल कोलोइड, एंड ऑर्गेनिक सोइल कोलोइड। ये किस बेसिस पे हुआ? इनऑर्गेनिक सोइल कोलोइड्स वो सॉइल कलर्स जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि मिनरल्स हो गए, जैसे कि रॉक्स हो गए, उनसे जो सॉइल कलर्ड मिल रहे हैं वो हमारे क्या है? इनऑर्गेनिक सॉइल कलर्ड। ऑर्गेनिक सॉइल कलर्ड जो हमें लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, एनिमल्स, इनके रेजिड्यू से या किसी भी तरीके से लिविंग थिंग्स से जुड़े हुए सॉइल कलर्ड है वो हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल कलर्ड। इनऑर्गेनिक सॉइल कलर्ड वो हम फिर से दो टाइप में बांटते हैं, सिलिकेट क्लेज एंड एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड ग्लेज, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड ग्लेज। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग? तो मैं बेटा बता दूं, 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये पोर्शन बहुत ही मायने रखता है। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं सिलिकेट क्ले में, कायोलिनाइट, सेकेंड हम पढ़ते हैं इसमें मोंट मोरिलोनाइट, और थर्ड हम पढ़ते हैं इसमें इलाइट। और ऑर्गेनिक सोइल कोलोइड में जो हमारे लिए है वो है ह्यूमस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन। तो हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें सिलिकेट क्ले पे फोकस करना है कि सिलिकेट क्ले क्या होते हैं। तो देखते हैं सिलिकेट क्ले के बारे में आगे हम। तो सबसे पहले सिलिकेट क्या क्ले क्या है? इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल कोलोइड है सिलिकेट क्ले। क्या है ये? इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉइल कोलोइड, ये सॉइल कोलोइड ही है। अब इनमें सबसे पहले जो बात आती है इनकी शेप की, जितने भी सिलिकेट क्लेज हम पढ़ेंगे उनकी शेप खास शेप होगी। खास शेप का मतलब यानी कि उनकी एक फिक्स शेप होती है जिसको हम कहते हैं लेयर्ड शेप, और हम कहते हैं प्लेट लाइक शेप, और हम कहते हैं लैमिनेटेड शेप, लैमिनेटेड शेप। यानी कि इनकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो ऐसे लेयर्स में डिवाइड होंगी, इस तरीके से कुछ ऐसे लेयर्स में बटी होंगी, और एक एक इस पूरी लेयर के अंदर छोटी छोटी अनेक लेयर होंगी, जैसे एल्यूमिनिया की लेयर, सिलिका की लेयर, इस तरीके से अरेंज्ड होती है पूरी की पूरी है। सिलिकेट क्ले की शेप की अगर बात करें, उसके बाद बात करें सिलिकेट क्ले के नेचर, जैसे क्या नेचर होती है इनकी? ऑब्वियसली अगर ये सॉइल कोलोइड है तो कैसे चार्ज होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं सॉइल कोलोइड सारे, उन पे कौन आके अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव कैटायन अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके सरफेस एरिया की, इनमें सरफेस एरिया काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी काफ़ी हो जाती है, काफ़ी ये इनमें एडजॉर्प्शन होता है वाटर का, कैटायन का, इन चीज़ों का। और ये वेल वेरी फाइन शेप्ड होती हैं, फाइन शेप बहुत ही अच्छी शेप होती है इनकी, फिक्स शेप होती है सभी की, जितने भी टाइप की सिलिकेट क्लेज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिलिकेट क्लेज के अंदर खास क्या पड़ा? शेप लेयर्ड शेप होती है, लैमिनेटेड शेप होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, सरफेस एरिया इनका काफ़ी होता है, फाइन शार्प शेप होती है ये। अब इसमें पहले हम सिलिकेट क्ले की बात करते हैं जो हमारा था सॉरी कायोलिनाइट, कायोलिनाइट। कायलोनाइट सिलिकेट क्ले में हम क्या पढ़ेंगे? कायलोनाइट सबसे पहले तो ये सिलिकेट के लिए बनता कैसे है? ये कायलोनाइट मिनरल से बनता है। किससे बनेगा ये? कायलोनाइट मिनरल से, मिनरल्स। क्या खास बात है इसमें? खास बात है कि इस सिलिकेट क्ले को एक नाम दिया गया है, 1:1 टाइप स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया है? 1:1 टाइप। क्यों दिया गया? क्योंकि सिलिकेट क्ले लेयर्ड होती है, ये भी लेयर होगी, लेकिन जब इसकी लेयर की बात करते हैं तो इसकी लेयर के अंदर खास ओरिएंटेशन होता है। क्या ओरिएंटेशन होता है? इसकी लेयर
दो एक लेयर जो बड़ी लेयर है वो दो छोटी छोटी लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहली लेयर होती है एल्यूमिना लेयर और सेकंड लेयर होती है सिलिका लेयर। सेकंड लेयर कौन सी होती है? सिलिका लेयर। और ये लेयर आपस में किससे जुड़ी रहती है? ऑक्सीजन से, आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड से जुड़ी रहती है। इसलिए एक ही एल्यूमिना की लेयर है एक यूनिट के अंदर और एक ही सिलिका की लेयर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? 1:1 टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें हम, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास Al4Si4O10OH8। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एक कैलोनाइट की यूनिट का। अब ये जो आपस में दोनों लेयर होती हैं ये ऑक्सीजन से जुड़ी होती हैं, 1:1 टाइप होती है। ऐसी एक और यूनिट होती है इसके पास इस तरीके से, उसमें भी दो लेयर होंगी, पहली एल्यूमिना की लेयर एल्यूमिना लेयर और दूसरी सिलिका की लेयर। ऐसे ही ये लेयर भी आपस में ऑक्सीजन से जुड़ी होंगी। अब ये दो आपस में लेयर जो है, ये देखो एल्यूमिना और सिलिका वाली तो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये दो अलग अलग यूनिट है, ये भी आपस में अट्रैक्टेड होती हैं। ये जिस बॉन्ड से अट्रैक्टेड होती हैं उसे हम कहते हैं एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये आपस में किससे जुड़ी रहती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ गुड बॉन्ड, दैट मीन्स ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी वजह से इस जो गैप के अंदर ना तो वाटर के मॉलिक्यूल आ पाते हैं और ना ही कोई कैटायन आ पाते हैं। दैट मींस इसके अंदर कैटायन के एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी और वाटर के एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी काफी कम होती है काइलिनाइट ग्रुप में। अब जब वाटर और कैटायन इसके अंदर जा नहीं सकेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हमने शुरू वाले लेक्चर में पढ़ी थी, कौन कौन सी? स्वेलिंग की प्रॉपर्टी और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? कोहेजन की प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी थी एडहेजन की प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज कायोलिनेट ग्रुप में बहुत कम, मिनिमम, बहुत ही कम पाई जाती है। किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये जो गैप होता है इसका फिक्स गैप होता है, बिल्कुल कांस्टेंट, ऊपर ज्यादा कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग होती है, यानी कि ये एक्सपेंड नहीं हो सकता गैप। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, अगर यहां से यहां तक की बात करें, ये डिस्टेंस होती है 7.2 एंगस्ट्रम के करीब। कितनी होती है? 7.2 एंगस्ट्रम के करीब। तो ये बेसिक हमारे पास ओवरव्यू था कैलोनाइट सिलिकेट क्ले का। इसको हम क्या कहते हैं? 1:1 टाइप कहते हैं। जनरल फॉर्मूला Al4Si4O10OH8। एल्यूमिना की लेयर होती है, सिलिका की लेयर होती है, आपस में ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है, दो लेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल और कैटायन जो है इसके बीच में, लेयर्स के बीच में इंसर्ट नहीं कर पाते तो ये एक्सपेंडेबल नहीं होती, यानी कि ये गैप बढ़ता ज्यादा कम ज्यादा नहीं होता। और ये कितना होता है? 7.2 एंगस्ट्रम के करीबन करीबन होता है। ये हमने पढ़ा कायोलिनाइट सिलिकेट क्ले की स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेकंड अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है मोंटमोरिलोनाइट। कौन सी स्ट्रक्चर आती है? मोंटमोरिलोनाइट। अब इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। मोंटमोरिलोनाइट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये किससे बनी होती है? मोंटमोरिलोनाइट मिनरल से बनी होती है, मोंटमोरिलोनाइट मिनरल से बनी होती है। इसका नाम क्या है? इसको 2:1 टाइप कहते हैं। क्यों रहते हैं 2:1 टाइप? क्योंकि इसकी एक यूनिट के अंदर तीन लेयर होती हैं। पहली लेयर होगी सिलिका लेयर, तीसरी लेयर होगी सिलिका लेयर और एक बीच में एल्यूमिना लेयर होती है सैंडविच की फॉर्म में। इनकी दो सिलिका लेयर के बीच में एक एल्यूमिना लेयर होती है, वही सेम ऑक्सीजन से ही आपस में बॉन्डेड रहते हैं। ऐसे ही एक दूसरी यूनिट होगी, उसमें भी तीन लेयर होंगी, बाहर वाली दोनों सिलिका की और बीच वाली एल्यूमिना की। क्या कहेंगे इसको? 2:1 टाइप, क्योंकि एक यूनिट के अंदर दो सिलिका की लेयर है और एक एल्यूमिना की लेयर है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? 2:1 टाइप। इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो Al4Si8O20OH4, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। Al4Si8O20OH4, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ऐसे इसके बीच में ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगी, ऐसे इसके बीच में ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगी। अब ये दोनों जो आपस में अट्रैक्टेड रहती हैं वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल
वॉल्स फोर्स, बहुत वीक टाइप ऑफ फोर्स होता है, आपस में ये वंडरवॉल फोर्स से अटैच्ड रहती है। क्योंकि ये वीक टाइप का फोर्स होता है इसलिए इसमें इजीली क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इंसर्ट कर जाते हैं और कैटायन भी इसके अंदर इंसर्ट कर जाते हैं, इसलिए इसके बीच में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो क्योंकि इसके बीच में वंडरवॉल फोर्स है, अट्रैक्शन है, और इजीली कैटायन और वाटर इसके बीच इंसर्ट हो सकते हैं, तो इसमें जो हमारी स्वेलिंग की टेंडेंसी थी वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर स्वेलिंग हो सकती है तो श्रिंकेज भी उतना ही अच्छे से होगा। कोहेजन का फोर्स था, कोहेजन की जो टेंडेंसी थी वो भी बहुत अच्छी होगी, और एडहेजन की जो टेंडेंसी थी वो भी बहुत अच्छी होगी। ये सारी टेंडेंसीज इसके अंदर बहुत अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि ये वीक फोर्स है। और जब ये वीक फोर्स है, अगर ये स्वेल कर सकता है, तो यानी कि ये जो गैप रहता है ये एक्सपेंडेबल गैप है, एक्सटेंडेबल, ये एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेड, ये बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। ये इसमें ये काफ़ी कुछ बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बदलाव आते हैं। ये स्वेल करता है, ये श्रिंकेज करता है, इसके अंदर वाटर जब इंसर्ट कर जाएगा तो ये स्वेल कर जाएगा, और जब वाटर ड्राई करके निकलेगा तो ये श्रिंक कर जाएगा। इसलिए इस टाइप के जो सिलिकेट क्लेज होते हैं उनकी वजह से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं, क्रैक्स, डीप क्रैक्स, क्योंकि इनमें स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है। चट्टानों के अंदर जो दरारें पड़ जाती हैं, अगर इस टाइप का सिलिकेट क्ले से वो बनी हुई है तो उसके अंदर क्या पड़ेंगी, दरारें पड़ जाएंगी उस सोइल कोलोइड के अंदर, अगर इसमें मोंटमोरिलनाइट ग्रुप हुआ तो, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी है स्वेलिंग और श्रिंकेज की। तो ये जनरली, और इस टाइप के जो सिलिकेट क्ले से जो बनती है ये कल्टिवेशन के लिए अच्छी भी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुछ डैमेज हो सकता है, इसलिए ये कल्टिवेशन के लिए भी अच्छे नहीं होते मिनरल्स जो होते हैं मोंटमोरिलनाइट के। तो मोंटमोरिलनाइट में हमने खास खास क्या पढ़ा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमें लिखना है नोटबुक के अंदर, मोंटमोरिलनाइट मिनरल से बने होते हैं, 2:1 टाइप होता है, जनरल फॉर्मूला Al4Si8O20OH4 होता है, एक यूनिट के अंदर 3 लेयर होती हैं, बाहर वाली 2 सिलिका की, अंदर वाली 2 एक एल्यूमिना की, आपस में ऑक्सीजन से जुड़ी रहती हैं, 2 यूनिट आपस में वंडरवॉल वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ी रहती हैं, इनके अंदर वाटर और कैटायन इजिली इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनके बीच में स्वेलिंग श्रिंकेज कोहेजन और एडहेजन काफ़ी मात्रा में होता है, अगर काफ़ी अमाउंट में होता है इसलिए इनमें इजिली क्रैक्स भी बन जाते हैं जो डीप होते हैं, इसलिए ये कल्टिवेशन के लिए अच्छे नहीं होती। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, मोंटमोरिलनाइट ग्रुप के बारे में पढ़ा। तीसरा जो सिलिकेट क्ले है उसकी बात करते हैं, तीसरा सिलिकेट क्ले है हमारा इलाइट ग्रुप। कौन सा, इलाइट ग्रुप, इलाइट ग्रुप, इसको हाइड्रस मीका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रस मीका। क्या होता है इलाइट ग्रुप के अंदर, इलाइट ग्रुप की लगभग स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे मोंटमोरिलनाइट की तरह ही होती है, यानी कि इसको हम 2:1 कहते हैं। क्यों कहते हैं, सेम एक यूनिट के अंदर वही 3 लेयर होती हैं इसके बीच में, पहली सिलिका की, दूसरी एल्यूमिना की, और तीसरी फिर से सिलिका की, आपस में यही ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड से जुड़ी रहती हैं। ऐसे दूसरी यूनिट होगी, 2 लेयर होंगे इसमें, 3 लेयर होंगे, सिलिका एल्यूमिना और फिर से सिलिका, आपस में ऑक्सीजन से जुड़ी रहेंगी, ये भी, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ी रहेंगे। अब जब मोंटमोरिलनाइट हमने पढ़ा था तो उसके बीच में ये जो गैप था ये एक्सटेंडेबल था, काफ़ी एक्सपेंड हो जाता था, क्योंकि उसके बीच में क्या था, वीक वंडरवॉल फोर्स था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में आ जाता है एक पोटेशियम का मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ये दोनों लेयर पोटेशियम के इस मॉलिक्यूल से बाइंड होती है तो यहाँ पर ये जो स्पेस होता है ये हो जाता है फिक्स, और स्पेस फिक्स होने की वजह से यहाँ पर भी कैटायन एंड जो वाटर मॉलिक्यूल का इंसर्शन है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है। इनके बाहर की तरफ आपको पता है कैटायन लगे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, सोइल कोलोइड है, तो एडजॉर्प्शन तो किसका करेंगे, कैटायन्स का करेंगे। तो इसके बीच में क्या होता है, इंसर्शन काफ़ी कम होता है, इंसर्शन काफ़ी कम होता है। तो जो प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी कौन कौन सी, वही स्वेलिंग, श्रिंकेज, एडहेजन, कोहेजन, वो कम होती है। कम किससे होती है, मोंटमोरिलनाइट से कम होती है, कैलोनाइट से तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन मोंटमोरिलनाइट से जो एडहेजन कैडहेजन ये सब चीज़ें थी, एडहेजन कोहेजन वगैरह, ये कम होती है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है Al4Si8O20OH4, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर ये टेंडेंसी कम होती है किससे, मोंटमोरिलनाइट से, और इलाइट से, सॉरी कैलोनाइट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्या था, इलाइट ग्रुप था हमारे पास, ये इलाइट ग्रुप की स्ट्रक्चर थी। अगर इनको कंपेयर करें तीनों को, हम तीनों को कंपेयर करें, अब हम इसके बात करते हैं
फर्दर हम बात करते हैं इनके कंपैरिजन की, मोंटमोरिलनाइट, इलाइट और कैवलनाइट के कंपैरिजन की। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो मोंटमोरिलनाइट होती है 2:1, दो सिलिका के लेयर एक एल्यूमिना के लेयर। ऐसे ही इलाइट के अंदर 2:1, दो सिलिका के लेयर एक एल्यूमिना के लेयर, कैवलनाइट में 1:1, एक एल्यूमिना के लेयर और सिलिका के लेयर। ये हाईली एक्सपेंडेड होती है, ये थोड़ी मोंटमोरिलनाइट से कम होती है और ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट होती है। साइज की बात करें माइक्रोन के अंदर तो मोंटमोरिलनाइट का जो साइज होता है वो होता है 0.01 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक। इलाइट का जो होती है साइज वो होती है 0.01 से 2 माइक्रोन तक, और जो कायोलिनाइट का साइज है वो 0.01 से 5 माइक्रोन तक, किसका, कायोलिनाइट का साइज होता है। कोहेजन एडहेजन की बात करें, क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं मोंटमोरिलनाइट में, तो कोहेजन एडहेजन और जो प्लास्टिसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। इलाइट के बीच में पोटेशियम का मॉलिक्यूल होता है इसलिए इसके अंदर थोड़ी कम होती है, और कायोलिनाइट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट बात करें सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमोल पर केजी। सबसे ज़्यादा मोंटमोरिलनाइट की 60 to 100 तक, इलाइट में 20 to 40 तक, और कायोलिनाइट में 3 to 15 तक। ये इनकी क्या होती है सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि कौन कितना ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा मोंटमोरिलनाइट करेगा, उसके बाद इलाइट करेगा, और उसके बाद कायोलिनाइट करेगा। ये इनके थे अब तक जो हमने पढ़े हैं सिलिकेट क्ले की, सारी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, यहाँ उनको कर लिया हमने कंपेयर। इस तरीके से बेटा थर्ड चैप्टर का ये जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होता है इससे, और इसमें से मेजर पार्ट आता है आपके एग्जाम के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट क्लास करेंगे अपने इसके बाद, होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।